अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा भारत को बांटने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत टाइम्स। मैं हूं अभिनेंद्र और बात करते हैं आज की खास खबर का। चुनाव के आखिरी समय में अमेरिकी पत्रिका टाइम की पीएम मोदी पर विवादास्पद रिपोर्ट। जी हां, चुनाव के आखिरी समय में अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम ने अपने ताजा अंक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कवर स्टोरी की है, लेकिन एक विवादास्पद सवाल के साथ। पत्रिका ने पूछा है, क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मोदी सरकार को आने वाले 5 साल सहन कर पाएगा? जी हां, पत्रिका ने अपने कवर पेज पर लिखा है, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, यानी इसका अर्थ होता है भारत को प्रमुख रूप से बांटने वाला। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि टाइम ने अपने कवर पेज पर ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लिखी हुई हैं। टाइम पत्रिका के एशिया संस्करण ने लोकसभा चुनाव 2019 और पिछले 5 सालों के दौरान मोदी सरकार के कामकाज पर विस्तृत खबर प्रकाशित की है। जी, आपको बताते चलें कि टाइम्स पत्रिका ने क्या कहा है। हालांकि ये पत्रिका अभी बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, मोदी पर कवर स्टोरी वाला यह अंक 20 मई 2019 को जारी होगा और लोकसभा चुनाव 2019 का आखिरी चरण का मतदान 19 मई को है और चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे। इससे पहले टाइम ने अपनी वेबसाइट पर इस रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया है। नरेंद्र मोदी पर केंद्रित इस कवर स्टोरी को पत्रकार आतिश तासीर ने लिखा है। इससे पहले टाइम पत्रिका ने साल 2012 में और फिर साल 2015 में मोदी को अपने कवर पेज पर जगह दी थी। वही साल 2014, 2015 और 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। मई 2015 में पत्रिका ने मोदी पर कवर स्टोरी भी की थी, उसको नाम दिया था Why Modi Matters। टाइम पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना के साथ साथ उनके काम की भी तारीफ की है। पत्रिका के इस आलेख में नेहरू के समाजवाद और भारत की मौजूदा सामाजिक परिस्थिति की तुलना करते हुए प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की गई है। क्या लिखा है इस पत्रिका में समझने की कोशिश करते हैं। टाइम पत्रिका की वेबसाइट पर प्रकाशित आलेख में बताया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि नरेंद्र मोदी लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद साल 2014 में 30 सालों से अभूतपूर्व जनादेश के साथ भारत की सत्ता तक पहुंचे। तब तक भारत की आजादी के 67 सालों में से 54 सालों तक का मुख्य रूप से इंदिरा और जवाहरलाल नेहरू वाली कांग्रेस पार्टी का शासन रहा था। उसके बाद मोदी के 5 साल के कार्यकाल का जिक्र इस टाइम पत्रिका में किया गया है, जो कि इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। महान हस्तियों पर सियासी हमले किए गए हैं, क्या लिखा गया है। आलेख में कहा गया है कि मोदी ने भारत के महान शख्सियत पर राजनीतिक हमले किए, जैसे कि नेहरू और कांग्रेस मुक्त भारत की बात की। उन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमानों के बीच भाईचारे की भावनाओं को मजबूत करने के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। इस लेख में आगे लिखा है कि नरेंद्र मोदी का सत्ता में आना इस बात को दिखाता है कि भारत में जिस कथित उदार संस्कृति की चर्चा की जाती थी, वहां पर दरअसल धार्मिक राष्ट्रवाद, मुसलमानों के खिलाफ भावनाएं और जातिगत कट्टरपंथ पनप रही है। आलेख में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में लोगों के गुस्से को देखते हुए आर्थिक वादे किए। उन्होंने नौकरी और विकास की बात की, लेकिन अब यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि वो उम्मीदों का चुनाव था। आलेख में कहा गया है कि मोदी द्वारा आर्थिक चमत्कार लाने के वादे फेल हो गए। यही नहीं, उन्होंने देश में जहर भरा धार्मिक राष्ट्रवाद का भी माहौल तैयार करने में जरूर मदद की है। टाइम्स पत्रिका की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1947 में ब्रिटिश इंडिया ने दो हिस्सों में बांटा था भारत को।
और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फैसला लिया था कि भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि हर धर्म हर जाति के लोगों की जगह होगी, जहां पे हर धर्म के लोग शांतिपूर्वक रहेंगे। नेहरू की विचारधारा सेकुलर थी, जहां सभी धर्मों को समान रूप से इज्जत थी। भारतीय मुसलमानों को शरिया पर आधारित फैमिली लॉ मानने का अधिकार दिया गया था, जिसमें तलाक देने का उनका तरीका 3 बार तलाक बोलकर तलाक लेना भी शामिल था, जिसे नरेंद्र मोदी ने 2018 में एक आदेश जारी कर 3 तलाक को कानूनी रूप से अपराध करार दे दिया। इस आलेख में 1984 के सिख दंगों और 2002 के गुजरात दंगों का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि हालांकि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भी 1984 के दंगों को लेकर आरोप मुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी इसने दंगों के दौरान उन्मादी भीड़ को खुद से अलग रखा। लेकिन नरेंद्र मोदी 2002 के दंगों के दौरान अपनी चुप्पी से उन्मादी भीड़ के दोस्त साबित हुए। जी हाँ, लेकिन इसके अलावा एक बात और इस पत्रिका में कही गई है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की गई है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की प्रशंसा की गई है। क्या प्रशंसा की गई है? टाइम पत्रिका के इस अंक के एक दूसरे आलेख में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों की खूब प्रशंसा है। पत्रकार इयान ब्रेमर ने लिखा है कि मोदी ही वो शख्स हैं जो भारत के लिए डिलीवर कर सकते हैं। मोदी इज इंडियाज बेस्ट होप फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। शीर्षक के लेख में लिखा है कि भारत ने मोदी के नेतृत्व में चीन, अमेरिका और जापान से अपने रिश्तों में सुधार लाए हैं, लेकिन उनकी घरेलू नीतियों की वजह से करोड़ों लोगों की जिंदगी में सुधार अभी आना बाकी है। जीएसटी लागू करने के फैसले को भी इस पत्रिका ने सही ठहराया है। इस आलेख में जीएसटी लागू करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की गई है। इसमें लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की जटिल समस्या को देखते हुए एक जटिल टैक्स प्रणाली को सरल और सहज किया। आलेख में लिखा गया है कि मोदी ने देश में बुनियादी ढांचे को जमकर निवेश किया है। नई सड़कों का निर्माण, हाईवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एयरपोर्ट ने देश की दीर्घकालीन आर्थिक संभावनाओं में आशा का संचार कर दिया है। कई ऐसे गांवों में बिजली पहुंचाई है जहां 70 सालों से अंधेरा था। नरेंद्र मोदी ये काम आर्थिक विकास के लिए वरदान साबित हुआ है। भीड़, हिंसा और गाय के ऊपर भी इस पत्रिका में बात की गई है। आतिर तासीस ने आलेख में मॉब लिंचिंग यानी भीड़ हिंसा और गाय के नाम पर हुई हिंसा का उल्लेख किया गया है। उन्होंने लिखा है कि गाय को लेकर मुसलमानों पर बार बार हमले हुए और उन्हें मारा गया। एक भी ऐसा महीना नहीं बीता जब लोगों ने स्मार्टफोन पर ऐसी तस्वीरें ना आई हों जिसमें गुस्साई भीड़ हिंदू भीड़ मुस्लिम को पीट रही है। इस आलेख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र है और भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा का भी जिक्र है और निशाना साधा गया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि साल 2017 में यूपी में चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने भगवादारी और नफरत फैलाने वाले एक महंत को मुख्यमंत्री बना दिया। वही आतंकी हमले के आरोप में घिरी साध्वी को लोकसभा चुनाव 2019 में भोपाल से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि विश्व की प्रख्यात मशहूर पत्रिका टाइम में ऐसी बातें लिखी गई हैं। हाँ, लेकिन सवाल ये भी है कि इस आलेख को लिखने वाले व्यक्ति कौन है और कहाँ से बिलोंग करते हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाना अपने आप में एक सवालिया निशान है। भारत की जनता क्या सोचती है इस बारे में और विश्व नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसा सवाल उठाना जायज नहीं था।